वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सिया राम मय सब जग अजानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है, और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत के, जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकाल निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है उनके हाथ से हो रहा है, ये और एक आनंद है। और इसलिए उन सब का स्मरण होता है, लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना, लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है, उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है, प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है, हम शुरू करें हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है, कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस विग्रह, जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसके ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है।